आज मैं आप सबके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, बस मैं बनाई हूँ अमरूद की टेस्टी सी चाट, जो शायद आप सभी को बहुत पसंद आएगी। जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं उससे भी अच्छे हम घर में बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे घर में ही है अमरूद का पेड़ और इसी में अमरूद, बहुत सारे अमरूद आए हैं क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना है, इस टाइम अमरूद पकने लगते हैं। तो जब घर में बहुत ज़्यादा अमरूद हो जाता है तो खाने का इच्छा नहीं करता है, मन नहीं करता है, तो क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा चटपटा बना के खाएँगे तो बहुत अच्छी लगेगी खाने में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, हम अमरूद को तोड़ लेते हैं, इसे हम उंगली से इस प्रकार से नाखून से देख लेंगे तो पता चल जाएगा अमरूद पक गई है, तो हम इसे तोड़ लेंगे। ज़्यादा पका हुआ नहीं लेंगे, मीडियम में पका हुआ लेंगे। चलिए अमरूद को हम तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने अमरूद को तोड़ लिया, इतना सारा अमरूद निकले हैं हमारे पेड़ से, जितना आए थे उसमें से पके हुए हैं। इसमें से हम 5 अमरूद ही ले लेंगे इसे बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत कम फैमिली है तो थोड़ा थोड़ा करके ही खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए अभी के मौसम में अमरूद, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने निकाला है अमरूद, इसमें से 5 पीस हम निकाल लेंगे चाट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने ले लिया है, इसे हमने धो लिया है, हमारे घर का है फिर भी हमने इसे धो लिया है। धोने से क्या होती है, अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। वैसे हमारे घर तरफ अभी बारिश हो रही है बहुत, तो यहाँ पे देखिए हमने अमरूद को ले लिया, अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो आगे का ये पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, या फिर हम आपको बताएंगे उस तरह से भी आप कट कर सकते हैं इस प्रकार से, और दोनों साइड से हम कट कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे रख लेंगे दूसरे प्लेट में। और यहाँ पे देखिए, दूसरा अमरूद को हमने कट कर लिया है, तो इस तरह से भी हम रख के कट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें गोल करके हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है, थोड़ा सा दबा करके कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे अमरूद को कट कर लिया है। अब हम कट करेंगे इसे पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में हम इसे कट करेंगे, इसे बनाएंगे, तभी तो हम चाट बनाएंगे। बड़े बड़े पीसेस रहेंगे ना तो खाने में लंबा में इस तरह से अच्छे नहीं लगेंगे, तो हम इसे छोटे छोटे करेंगे बारीक, जिस तरह से प्याज करते हैं। तो ज़्यादा हम इसे बारीक नहीं कट करेंगे, ज़्यादा बारीक करेंगे तो मुंह में जो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे मीडियम में। इसी तरह से यहाँ भी हम देखिए हम कट कर रहे हैं, सेम इसी तरह से हमें कट करना है। और घर के जो मसाले से बनते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं अमरूद का चाट, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे सारे अमरूद को, जितने हम यहाँ पे रखे हुए हैं, जितना हमें बनाना है आप अपने फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं, बनाइए और पूरी फैमिली के साथ मिलके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे देखिए, अभी 4 पीस अमरूद है, सारे को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, सारे अमरूद को हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाना है, तो मसाले मिलाने के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमारे पास बर्तन है, गमला है, जिसे भगोना भी कहते हैं ना, उसमें भी हम मिला सकते हैं, लेकिन क्या होगी ना, इसमें मसाले अच्छे से नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इस तरह से लोटा, जो हमारे स्टील का घर में, झारखंड तरफ हमारे घर में लोटा कहते हैं, इसमें भी हम मिला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अमरूद है इसीलिए इसके लिए हम लिए हैं यहाँ पे जग, प्लास्टिक की जो जग आती है, तो ठेले वाले भैया के पास भी आप देखे होंगे, वो भी जग में ही मिलाते हैं, तो इसी तरह से हम भी इसे जग में ही मिला रहे हैं। जग में क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है मसाले अमरूद में, सो इसीलिए। तो यहाँ पे अमरूद को हमने ले, इसमें डालेंगे हम काला नमक, स्वाद अनुसार डाल देंगे काला नमक हम इसमें, देखिए इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम सादा नमक, सादा नमक भी थोड़ा सा डालेंगे, काला सादा दोनों मिक्स करके डालेंगे, तो स्वाद जो है बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ ही जीरा पाउडर में डालना है, थोड़ा सा चाट मसाला हमने डाल दिया, और ये मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर अगर छोटे बच्चे खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से डालें कम करके। नींबू का रस हम डाल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा 1 चम्मच लगभग यहाँ पे हम नींबू का रस डाल दिए हैं, तो हम चटपटा सा बना रहे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल रहे हैं चनाचूर, यहाँ पे हम दालमोठ डाल रहे हैं थोड़ा सा इसमें। तो अब हम डालेंगे इसमें क्या, चिल्ली सॉस थोड़ा सा, अगर चिल्ली सॉस, टमाटो, केचप नहीं भी है घर में तो आप उतना सा ही सामान में भी
बना सकते हैं। तो चिल्ली सॉस हमने डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिया और यहाँ पे थोड़ा सा सरसों ऑयल डाल दिया। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, चिल्ली सॉस टमाटो केचप नहीं है क्योंकि गाँव में तो सभी के घर में नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए अगर चिल्ली सॉस टमाटो केचप नहीं है तो हम इस तरह से करके बना सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, नींबू का रस और चनाचूर से। तो अब हम चम्मच से इसे मिला लेंगे, देखिए इस तरह से, उसके बाद इस तरह से कर देंगे तो ये अच्छे से मिल जाएंगी मसाले। तो कितनी आसानी से मिल गई इसमें मसाले। तो बस हमारी जो है ये मसाले वाले अमरूद की चाट बन के तैयार है, हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं। देखिए तो कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। इसमें थोड़ा सा अब हम डाल देते हैं ऊपर से, क्या डालेंगे, जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं ऊपर से खाने के लिए, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा इसमें हम फिर से चनाचूर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें चनाचूर भी डाल देंगे हल्का सा, थोड़ा सा हम ऊपर से सजाने के लिए इसमें डाल दे रहे हैं थोड़ा सा चनाचूर। और अब हमारा जो है पूरी तरह से ये अमरूद की चाट बनके है तैयार। तो आप लोग भी खाइए, इसी तरह से बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली में, दोस्तों में। मैं जो घर में बनाती हूँ वही सब रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।